बाहर निकलने की कोशिश की है तो अभी मैं थोड़ी देर तक वहां से हो गया तो यह सीन हमारा बिल्कुल हॉस्टल के नीचे है। वैसे तो आपस की बात है, यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा है मेरे रूम से लेकिन शोर बहुत है, वीडियो नहीं बना सकते। यार एक लीटर कोक देना। देखिए जरा भाई मुझे सच्ची सच्ची और ऑनेस्ट ऑनेस्ट सी बातें करने का थोड़ा है, शौक भी है और मैं करता भी हूँ। जो सही तरह की बात है ना इस हॉस्टल के बारे में वो ये है कि भाई जान हॉस्टल ज़बरदस्त है और मुनासिब भी है, इसके लिए सिक्योरिटी भी आपको नहीं पे करना पड़ती। मतलब दूसरे हॉस्टल में हम गए थे, सिटी हॉस्टल वगैरह यहाँ पे, तो उन्होंने हमसे पहले कहा था कि 3500 सिक्योरिटी होगी एक पर हेड और उसके बाद 3500 जो है वो लगेगा आपका जो भी कह लो एक्सपेंस या रेंट होगा। तो यहाँ पे उसके बिल्कुल बरक्स है, यहाँ पे बस वो जो है सिर्फ रेंट ही लगेगा आपका महीने का। तो आपको रूम भी इजीली मिल जाते हैं, तीन बंदों का रूम है उसमें आप चार भी रख सकते हैं, पांच भी बंदे रख सकते हैं, जैसा मर्जी कर लें। बाकी जो है खाने का, खाना भी इनका एक अपना होटल है, वहाँ पे आपको अगर आप इस होटल इस हॉस्टल में क्याम पजीर हैं और वहाँ पे जाके खाना खाते हैं तो आपको 10% हर खाने पर डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा बिजली है, इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब बाकियों से अच्छा ही है, बाकी हॉस्टल में भी मैंने रह के देखा है इनका काफ़ी बेहतर चलता है, कभी कभी प्रॉब्लम करता है लेकिन प्रॉब्लम तो हर जगह चलते रहते हैं। और इसकी छत भी बहुत खुली है और वॉशरूम भी साफ ही हैं और
बाकी सीन है कि गुड हो गया, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस भाई। हाँ तो भाई ऑनेस्ट सी बात है कि लाइक हमारे रूम में भी इतनी रोशनी नहीं होती जितनी यहाँ की गलियों में है। और अभी हम एक मेडिकल स्टोर में आए हैं, मुझे को बुखार हुआ हुआ है, तबीयत खराब है और मेरा भी जुकाम लगा पड़ा है, तो उसके लिए दवाई लेनी है, कुछ मास्क वगैरह लेना है। मुझे पता है मास्क के बगैर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मास्क अब ख़राब हो गया तो नया ले कर रखना पड़ेगा। उम्मीद है आवाज़ अच्छी आ रही होगी, नहीं आ रही तो फिर कर लेते हैं। अब आपसे अगर नई वीडियो कई स्कैम निकले हैं, ये है प्राइवेट होटल शहर की होटलों में है।